हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे पकोड़े करी। सबसे पहले एक बॉल में मैंने एक कप बेसन ले लिया है, फिर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, सॉल्ट, फिर आप उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर यूज़ कीजिए, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर करेंगे, फिर 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर यूज़ करेंगे। उसके बाद उसमें पानी मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर से हम पकोड़े बनाएंगे कढ़ी के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करना है जब तक इसमें लम्स ना रह जाए। इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो मैं इसे और पानी ऐड करके थोड़ा पतला करूँगी ताकि पकौड़े अच्छे बन सके। और आप जितना ज़्यादा इसको मिक्स करोगे उतना ज़्यादा आपके जो पकौड़े हैं ना वो फुले फुले और सॉफ्ट बनेंगे। तो उसको मैंने अच्छे से मिला रही हूँ। उसके बाद मैं मिलाने के बाद आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छी तरह से मिलाया है ताकि इसमें लम्स भी ना रह जाए और ये और अच्छे से हो सके। उसके बाद मैंने गैस ऑन कर लिया है, उसमें कढ़ाई चढ़ा दूँगी। 3-4 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर दो। मस्टर्ड ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आपके पास जो ऑयल है आप वो यूज़ करो क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में कढ़ी काफ़ी टेस्टी बनता है। ताकि मैं इसमें पकौड़े फ्राई करूँगी इसलिए मैंने ज़्यादा तेल यूज़ किया है। फिर ऑयल को आप अच्छे से गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप देख सकते हो, तो जो मैंने बेसन का बनाया था बैटर उससे मैं छोटे छोटे पकौड़े बनाऊंगी। आप एक बार में 6-7-8 भी डाल सकते हो, जितनी आपकी कढ़ाई की स्पेस हो उस हिसाब से मैंने छोटा छोटा पकौड़ा बनाया है। आप चाहे तो इस पकौड़े में प्याज और हरी मिर्च, धनिया पत्ता ऐड कर सकते हो। हमारे घर पे बिल्कुल प्लेन पकौड़े बनते हैं तो इसलिए मैंने आपके साथ अपनी घर वाली रेसिपी शेयर की है। तो इसको अच्छे से कुक होने दें। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, मैंने जब बेसन बहुत अच्छे से मैं उसे घोल रही थी इस वजह से जो मेरे पकौड़े हैं वो काफ़ी फुले फुले बने हैं। ये मेरी मम्मी का ट्रिक है, वो हमेशा यही करती थी। बेसन इतनी अच्छी तरीके से घोलती थी ताकि जब भी वो पकौड़े के लिए बनाए ऑलरेडी पकौड़े जो है वो फुले फुले और सॉफ्ट बनेंगे। तो आप देख सकते हो कि पकौड़े काफ़ी सॉफ्ट बन रहे हैं और काफ़ी फुले फुले। फिर मैं इसको अच्छे से फ्राई करके, ये पकौड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब मैं इस पकौड़ों को निकाल लूँगी। आप देख सकते हो दोनों साइड अच्छे से कुक हो चुका है, तो मैं इस पकौड़े को निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं इस गैस को अभी बंद कर दूँगी क्योंकि मुझे अभी बेसन की कढ़ी तैयार करनी है। फिर मैंने एक बॉल में कर्ड ले लिया है, 1 कप आप देख सकते हो, कर्ड ले लो, कोई भी कर्ड ले लो, घर का या बाहर का। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं उसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद मैंने इसमें 1 स्पून हल्दी ऐड किया है, 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूँगी और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी इसमें। बस इसे पानी के साथ मिक्स करूँगी और इस घोल को अच्छे से फेंट लूँगी ताकि इसमें भी कोई लम्स ना रह जाए। आप देख सकते हो मैं इसको इतने अच्छे से फेंट रही हूँ। ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने और पानी ऐड किया है ताकि थोड़ा पतला हो। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए ना ज़्यादा थिन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए ताकि आपकी कढ़ी बहुत अच्छे से बन सके। क्योंकि कढ़ी जब आप बनाते हो ना तो उस टाइम ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती है खाने में, और ज़्यादा पतली भी नहीं, तो मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। फिर मैंने उसी ऑयल में, जिस ऑयल में मैंने पकौड़े तले थे उसमें मैंने 2 तेज़पत्ता ऐड किया है, 2 रेड चिली आप ले सकते हो, खरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया है। उसमें 1 स्पून सरसों, 1 स्पून ज़ीरा और छोटी सी स्पून से मैंने हींग भी ऐड किया है। हींग काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है कढ़ी को, तो आप इसे भी अच्छे से ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने 2 हरी मिर्च ऐड की है और 1 चॉप्ड अनियन। आप देख सकते हो मैंने अनियन को स्लाइस में काटा है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो अनियन है वो अच्छे से कुक हो सके।
तो आइए अनियन को मिक्स करते हैं। तो अच्छे से अनियन कुक हो रहा है। अभी अनियन को पहले कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम पे, लेकिन अनियन को ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, इसे मीडियम ही रखेंगे। कढ़ी में ऐसे कंपलसरी नहीं है अनियन देना, आप चाहे तो दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। मैंने एक बार जोधपुर में खाया था तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने भी ऐड कर दिया। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया था, वो मैं ऐड करूँगी। आप खड़ी गार्लिक भी दे सकते हो, बट मैं इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से कुक होने दूँगी। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा फिर आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और मैंने प्याज को ज़्यादा भी कुक नहीं कराया है, थोड़ा ही कुक करा है। उसके बाद मैं जो कढ़ी था उसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हल्दी नमक रेड चिली डाला था, तो अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्ट टेस्ट कर लेना कि सही है या नहीं, उस अकॉर्डिंग आप सॉल्ट थोड़ा डाल सकते हो। और फिर मैं कढ़ी डाल दी हूँ, आप देख सकते हो। इसको मैं अच्छे से कुक होने दूँगी, इसमें उबाल। और आप ट्राई करना कि कढ़ी हमेशा चलाते रहो ताकि उसमें ना लम्स ना बैठ जाए या फिर वो चिपक ना जाए। उसके बाद देख सकते हो कढ़ी कुक हो चुकी है। मैंने जो पकौड़े तले थे वो मैं सारे कढ़ी में डालूंगी और इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप जब पकौड़े कढ़ी में डालते हो तो ये ऑब्ज़र्व कर लेता है। मैंने ये सर्व करने के लिए निकाल दिया है कढ़ी पकौड़ा, और इसमें मैंने घी और लहसुन का तड़का लगाया है। और आप देख सकते हो मेरी कढ़ी कुछ इस तरह यमी दिख रही है।